हाय दोस्तों, आज की वीडियो में आज मैं आपके साथ बोन ग्राफ्टिंग के 7 महीने के बाद जो एक्सटर्नल फिक्सेटर के रिमूवल के जो मुझे भी आशा थी, जो मेरे घर वालों को भी आशा थी कि ये अभी हट जाएगा और मैं स्टिक के सहारे बिना किसी एक्सटर्नल फिक्सेटर के नॉर्मली चलने लगूँगा, उसके बारे में है। डॉक्टर के साथ मेरी जो 7th अपॉइंटमेंट थी उसके बारे में है। चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं इसमें। देखो, फर्स्टली 15 अगस्त मेरे लिए भी एक खुशी का दिन था कि मैं ये सोच रहा था देश की आज़ादी का दिवस है। उस दिन मैंने भी सोचा था मुझे भी ये जो एक्सटर्नल फिक्सेटर लगा है इससे भी आज़ादी मिल जाएगी, यही सोचा था मैंने तो। लेकिन वो सब होना ना होना वो मेरे हाथ में नहीं है। वो डॉक्टर एज़ पर जो डॉक्टर डायग्नाइज करते रहेंगे, ट्रीटमेंट रिकवरी के जो भी इंस्ट्रक्शन मुझे बताते रहेंगे उसके अकॉर्डिंग ही करूँगा। डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही हमें फॉलो करना, वो सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। इन्हीं सब चीज़ों के देखते हुए दोस्तों डॉक्टर के पास गए। वहाँ पर पहुँचने के बाद उन्होंने मेरा जो एक्सटर्नल फिक्सेटर के जो निका लगा रखा है उसको देखा। उसके बाद उन्होंने सिंपल सा कहा कि जो रोड्स हैं वो सारी ओके हैं, कोई इशू वाली बात नहीं, आप अपना एक्सरे करवाइए एक बार। उन्होंने मेरा एक्सरे करवाया। एक्सरे करवाने के बाद कंपैरिजन किया एक्सरे का। एक्सरे कंपैरिजन होने के बाद डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी एक्सटर्नल फिक्सेटर इस मंथ नहीं निकलेगा। देखो, देखकर सुनकर मुझे भी थोड़ा सा चौंक गया था कि अभी भी नहीं निकलेगा, 7 महीने हो चुके हैं, अभी भी मैं ऐसे ही इसके साथ चलूँगा। तो फिर डॉक्टर साहब ने मुझे क्लेरिफाई किया कि अगर मैं आपका ये एक्सटर्नल फिक्सेटर अब खोल देता हूँ तो इसमें हड्डी टूटने के चांसेस 50% बढ़ जाते हैं। उसका कारण ये है कि आपकी ये जो पैर की हड्डी है ये आपका बॉडी वेट बेयर नहीं कर पाएगी, हल्का सा भी झटका लगेगा कुछ भी होगा तो उसमें टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं और फिर दोबारा से वही रिकवरी पीरियड बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने भी फटाफट हाँ कर दिया कि सर कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई इशू नहीं है, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है, मेरे को निकलवानी ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, उन्होंने डायग्नोज करने के लिए, देखो मैं अब आपको दिखाना चाहूँगा, ये 6 रोड लगी हुई हैं। देखो ये सिंगल 6 रोड लगी हुई हैं। डायग्नाइज में जो डॉक्टर ने है ना मेरे को जो बताया था, डॉक्टर साहब ने जो डायग्नाइज किया, जो भी रिकवरी के लिए प्रोसेस फॉलो किया, वो प्रोसेस डॉक्टर साहब ने 6ठे महीने में बोन ग्राफ्टिंग के 6 मंथ्स होने के बाद ये दोनों रोड, इस रोड से ये मेन रोड है इससे फ्री कर दिया था। ये और एक ये इसका स्क्रू है, इस रोड का ये है, इस रोड का ये है। लेकिन जो अब हमारा 7th मंथ के बाद जो रिमूव किया था वो इस रोड का और इस रोड का, दो जो सेकंड लास्ट स्पोर्टर रोड हैं उनका जो है वो स्क्रू फ्री कर दिया था। लेकिन उसके बाद दोस्तों देखो, लेकिन उसके बाद इसमें है ना ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में बहुत ज़्यादा पेन हुआ था क्योंकि लोड आ गया था यहाँ पे, इस पे उसी टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन हो गया था, लोड आ गया था इस पे क्योंकि सारा वेट इसी पे आएगा, पैर का प्रेशर आएगा इसी पे पड़ेगा। तो यही कारण था कि डॉक्टर साहब ने तो मना कर दिया, वापस घर पे आ गया। 3 दिन तक मैंने वेट किया कि आराम हो जाए, रिकवरी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, चलने लगूँगा, कोशिश करूँगा, लेकिन नहीं, फिर भी नहीं होने के कारण अब दोस्तों फिर दोबारा से अब क्या किया जाए, इसमें कुछ नहीं, वही दोबारा से डॉक्टर के पास कंसल्ट करने के लिए चले गए। डॉक्टर साहब ने फिर दोबारा से इसको तो लगाया नहीं, ये जो लास्ट वाला था, देखो लास्ट वाला, इसको तो लगाया नहीं डॉक्टर साहब ने, लेकिन ये जो नी के साथ स्पोर्टिंग के लिए ये लगा दिया। और डॉक्टर साहब ने कहा कि 15 दिन के बाद आप अपने खुद हाथों से इन दो स्क्रू को थोड़ा सा ढीला करके चल के देखिए, ठीक है। अभी फ़िलहाल का देखो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, उसमें क्या है, उसमें देखो अब मैंने आपको बताया मेरे जो एक्सटर्नल लोड्स थे उसमें जो भी इशू हुआ, जो भी डॉक्टर ने मेरे को इंस्ट्रक्शन दी है, अब उसी को फॉलो करना है, कुछ नहीं, अब इंतज़ार कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं दोस्तों। अब हमें अगले 1 महीने के लिए और इंतज़ार करना है। ये कन्फर्मेशन तो कर दिया डॉक्टर ने कि अब 8th मंथ कम्प्लीट हो जाएंगे बोन ग्राफ्टिंग के बाद वाले, उसमें वो कन्फर्मेशन निकाल तो देंगे इसको, एक्सटर्नल फिक्सेटर को। लेकिन इसमें मेरे को थोड़ा सा अब डाउट हुआ क्योंकि अब क्या हुआ कि जैसे ही ठीक होने के बाद जब वो जो सेकंड लास्ट नी के साथ वाला जो रोड थी वो दोबारा से टाइट करी, उसके बाद जब मैं चलने लगा ना, मेरे से प्रॉपर स्टिक से चला नहीं गया दोस्तों, बहुत प्रॉब्लम आई है। प्रॉब्लम क्या, मैं वेट दे ही नहीं पाया।
दोबारा से वही प्रोसेस स्टार्ट हो गया जो 6 मंथ्स के बाद स्टार्ट हुआ था। 70% वेट के साथ मैं वॉकर के साथ चल रहा हूँ अब। मेरे को थोड़ा सा प्रोसेस क्या, या मेरे को थोड़ा सा अचंभा लगा कि यार यार ये क्या हुआ, क्योंकि तो मैं चलने लग गया था, घूम रहा था, ऊपर आ रहा था, नीचे जा रहा था, सारा सब कुछ कर रहा था, लेकिन अब दोबारा से वही। देखो दोस्तों, दुख तो हुआ मेरे को, फिर भी ये सोचा कि अब टोटल 1 साल 1 महीना हो चुका है इसको, फ्रैक्चर को अब इतना टाइम हो गया है, तो फिर अब इसमें थोड़ा सा टाइम और रुक जाते हैं, तो अब 15-20 दिन की ये लगा लो कि अभी तो 1 महीने की बात है, और 1 महीना और सही, थोड़ा सा और आराम कर लेंगे, कोई भी इश्यू नहीं है, और पैर को रेस्ट देंगे, अब दोबारा से उसी प्रोसेस के साथ रिकवर करते रहेंगे। अब स्टिक के साथ अब वही प्रोसेस है, 70% वेट के साथ चलो, फिर स्टिक के साथ धीरे धीरे कोशिश करो फिर भाई, और 15 दिन के बाद फिर इसको भी रिमूव करना है, जो ऊपर वाला मैंने आपको सेकेंड लास्ट का स्क्रू किया थोड़ा सा ढीला करके, उस पर भी चलना है। दोस्तों देखो, इसमें सबसे बड़ा जो मेन कारण, क्योंकि मैं हूँ परफेक्ट जो प्योर वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन मैं अंडा भी नहीं खाता हूँ, कैल्शियम रिच मैं दूध पनीर ये सब चीज़ें लेता हूँ, लेकिन मैं ऐसा कोई नॉन वेज का जो भी होता है वो मैं नहीं खाता हूँ। नॉन वेज मेन कारण मैंने जो भी कंसल्ट किया डिस्कस किया कि जो भी इंस्टेंट जो कैल्शियम और जो भी रिकवरी होती है, जो मांस कहते हैं, अंडा हुआ, नॉनवेज जो भी मटेरियल हो, उनसे ज़्यादा जल्दी रिकवरी होती है, जो मैंने सुना है, इससे थोड़ा सा स्लो रिकवरी है। जो एक कारण मेरे को ये भी लगता है कि मेरे रिकवरी स्लो होने का कारण सबसे बड़ा ये भी रहा है। तो बस दोस्तों, यही थी आज की वीडियो में मैं जो आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। अब आगे का यही है, अब अगले महीने जैसे ही जो भी बात होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। किसी भी मेरे फ्रेंड को कोई भी ऐसा कोई भी फ्रैक्चर का इशू है, कोई भी ऐसी बात है कि वो मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, तो मेरे साथ डिस्कस कर सकता है, ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है। दोस्तों आप घबराएं ना, इसमें देखो बोन ग्राफ्टिंग टोटल तीन हो चुके हैं, जो सर्जरी हैं 3 हो चुकी हैं, सर्जरी से घबराना नहीं होता दोस्तों। डॉक्टर्स एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि भगवान का ही दूसरा रूप होते हैं। अगर पुराने ट्रीटमेंट के हिसाब से देखो, इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन में तो टांग काटनी पड़ जाती थी पुराना जो टाइम था, आजकल तो आपको इतना कैपेबल कर दे रहे हैं कि आप दोबारा चल पा रहे हो, तो एक तरीके का चमत्कार ही है। जो भी हमारे साइंस है, जो भी हमारे डॉक्टर्स हैं, जो भी हैं, उन्होंने एक तरीके से दूसरे भगवान ही है हमारे लिए। मेरी तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है दोस्तों, अपने आप को सावधान रहें, कभी भी अपना 2-व्हीलर चलाएं या कुछ भी एक्सीडेंट से अपने आप को बचा के रखें, 2-व्हीलर बिल्कुल धीरे चलाएं। हो जाता है मिस हैपनिंग कभी कभी, तो अपने आप को प्लीज़ स्वस्थ रखें, खुश रखें। धन्यवाद दोस्तों।